स्क्रिप्ट जो है वो सड़ी हुई बेवा ब्रेकअप वाली डिवोर्सी बदनसीब जो औरतें हैं, मैं अला नसीब को नहीं मानता, जो अपने आप को बदनसीब कहती हैं, उनको कंटेंट हेड बना दीजिएगा। देखिए आपको औकात पता चल जाएगी। बैंक में जितना मैंने गंध देखा था वो मीडिया में नहीं देखा। गंध तो हमेशा से था सर, बाजार हुस्न तो जवाहर के बीचों बीच है। जिन जिन लोगों ने मौलाना तारिक जमील से माफी मंगवाई है ना, अगर उनमें से मैं किसी को पसंद भी करता था तो मैं लानत भेजता हूँ। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू PJME's YouTube ऑफिशियल चैनल। बड़े आपने शोज देखे हैं। आज आई गॉट समबडी वेरी स्पेशल। ही इज़ अ राइटर, ही इज़ अ डायरेक्टर, अ कमेंटेटर एंड ऑफ कोर्स एक जो चीज़ है कि बिल्कुल स्ट्रेट शॉटिंग है। अभी ही डजंट मींस एनी वर्ड्स, जो उनके दिल में आता है ये बात करते हैं। और वो आपने देखा था, वो एक बन गई थी बात, मेरा जिस्म मेरी आवाज़ एंड ऑल दैट। इसमें उन्होंने बड़ी सीधी सीधी सी बातें की। मेरा जिस्म मेरी आवाज़ होता तो मैं कुछ नहीं कहता। अच्छा, फिर वो क्या था? मेरा जिस्म मेरी मर्जी। मेरा जिस्म मेरी मर्जी, ये था मेरा जिस्म मेरी मर्जी। आई वाज जस्ट बीइंग मॉडेस्ट। अच्छा, अब बात आती है कि इनकी जो बातें हैं कई लोगों को पसंद है और कई लोगों को नहीं पसंद है, बट दैट्स द वे इट इज़। आप खुद पूरी दुनिया में इसी तरह हैं। कैप्टन ट्रंप को भी देख लो, कोई पसंद करते हैं तो नहीं करते हैं, लेकिन है ट्रंप ही है, हटाया नहीं है किसी ने। तो आज इनसे बात करेंगे। और जो मेरा एक जो मसला है, देखें इस मुल्क के अंदर पाकिस्तान में आई एम द फर्स्ट पॉलिटिकल टॉक शो होस्ट, ये सब मेरे बाद आए। अब मैं ये कहता हूँ कि जब आप मीडिया में आते हो झूठ क्यों बोलते हो? सच बोलो। पहले तो मैं सच पे इनसे ये कुछ गुफ्तगू करूँगा और उसके बाद एक दो और सब्जेक्ट्स हैं इसी पे, मेरा जिस्म मेरी यू नो मर्ज़ी, इसके ऊपर भी कुछ बात होगी। तो यहाँ सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। और मुझे ये बताइए खलील साहब कि ये जो मीडिया के अंदर लोग कहते हैं, अगर बाहर का कोई कहता है कि भाई तुम झूठे हो तो उस पर फतवे लग जाते हैं या उस पर आप बयानात और माफिया मंगवाते हैं, खुद अंदर मीडिया में झूठ बैल के बैठ के जो आपने बोलना है वो ठीक है? पीछे मैं अभी ना रिसेंटली अभी जब ये सारा वाकया हुआ है तो मुझे एक क्या कहते हैं भेजा गया लिंक, उसमें मैंने इन साहब को मेरा दोस्त नजदीक नदीब बेग एक शो होस्ट किया करता था बेगम नवाज चली, तो उसमें मैंने इनको खुद कहते सुनाया। और अब तो खैर वो क्लिप जो है वायरल है एवरीवेयर, जिनके सामने इस आदमी ने दावा किया है कि मीडिया में 10% भी सच नहीं बोला जाता। अरे भाई, अगर तुम्हें मालूम है कि 10% सच नहीं बोला जाता तो इतना चूक जाने का मार्जिन तो दो कि वो 90% की बात कर रहे थे जो तुम भी मानते हो कि सच नहीं बोला जाता। और उसी एक झूठ की वजह से तो हम 72 साल से पनप नहीं रहे हैं। दैट इज़ योर बिलीफ एंड दैट इज़ माई बिलीफ पीजे, एंड आई एम स्ट्रिक्ट ऑन इट। आप जब देखिए, झूठ बोलने का राइट तो आपको आपके रिलीजन ने नहीं दिया, आपके मोरालिटी ने नहीं दिया आपको। उसके बावजूद हम ऑर्डिनरी आदमी को मार्जिन दे देते हैं, बट यू व्हेन यू आर एट सम हेल्म ऑफ अफेयर, यू आर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, यू आर अ नॉन एंकर, यू आर नॉट सपोज टू लाई बिफोर पब्लिक, यू नो। मेरे लिए एक बड़ा अंधुनाक वाक्य था जब देखिए, बींग प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इज़ अ वेरी बिग ऑनर। इट इज़ प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, व्हाट एल्स यू कैन ड्रीम इन योर लाइफ यार, मोर देन दैट। आप असेंबली में बोलते हो, बात करते हो और बाहर आ कहते हो वो मेरा सियासी बयान था। अगर ये इस तरह हमने कौम पालनी है तो हम अगले 72 साल भी नहीं पल सकेंगे। तो ये मुझे बताइए, तो फिर हम ये मीडिया में जो लोग हैं जो टीवी पे, आपने देखा होगा यहाँ बैठे हैं कई मेरे पास आए हैं सीनियर लोग, यहाँ वो कहते हैं ना वो कुकड़ों की तरह लड़े हैं, बाहर कैमरा बंद होता है वो जाके जफियाँ मारते हैं एक दूसरे से। बीजेपी मेरे में आपको एक बार लेट मी कॉम्प्लीमेंट, गिव यू कॉम्प्लीमेंट्स। मेरा आपका पहला आज मुलाकात पहली, मैं आपको बहुत पहले से जानता हूँ एंड आई हैव सीन यू होस्टिंग द शोज। मेरे लिए शर्मनाक बात यह है कि बजाय इसके कि इस एक चीज़ से सीखा जाता कि हमें शो बनाना कैसे है, सच बोलकर हम रेटिंग कैसे ले सकते हैं। और आपको ये समझना होगा कि झूठ बोलने से जो इस मुल्क को नुकसान हो रहा है वो इसकी
नस्ल दर नस्ल हम उसकी अदायगियाँ करते हैं। आप चंद टके लेकर घर चले जाते हैं, थोड़ा प्लॉट बड़ा हो जाता है, दो घर माँ बाप को मिल जाते हैं, लेकिन पूरा मेरा मुल्क उसकी नज़र हो जाता है। मेरे जो गरीब लोग हैं उनका जो मुस्तकबिल है वो उसकी नज़र हो जाता है। Nobody is thinking about it। ये बदकिस्मती है। मैंने ये फिक्र सुने सर कि ये रेटिंग वाला आदमी है। बल्कि एक वक्त मुझ पर भी गुजरा जब खलील रहमान कमर भी एक रेटिंग वाला आदमी था, बजाय इसके कि एक आदमी जिसको अल्लाह ने दिया हुआ, पीछे हर आदमी को अल्लाह ने दिया हुआ, इसलिए मेरी और आपकी शक्ल मुख्तलिफ है, तो कोई ज़िम्मेदारी अलहदा है आपके सर पे, कोई ज़िम्मेदारी अलहदा है मेरे सर पे, वो ज़िम्मेदारियाँ हम लोगों को अदा करने दीजिए। मेरे रास्ते पर चलोगे आप मंजिल पर नहीं पहुँचोगे, आप आगे ही हासिल कीजिए व्हाट फॉर यू हैव बीन सेंट टू द वर्ल्ड, उसको उसके पीछे उसको फॉलो कीजिए। हम क्या करते हैं, एक आदमी जिसको थोड़ी इज्जत मिल जाए, जो अपने रास्ते में सही चल रहा हो, काम कर रहा हो, उसको फॉलो करने में अपना नुकसान करते हैं या उससे हसद करने में अपना नुकसान करते हैं। और वो नुकसान सिर्फ उस आदमी का या आपका नहीं होता, वो इस मुल्क का नुकसान होता है। मुल्क डेकेड्स के बाद किसी आदमी को जन्म देता है। लीडर्स आर बॉर्न, दे आर नॉट मेड, और जिनको हमने बनाया उनका हशर, उनकी हाथों से मुल्क का हशर भी देख लिया। तो मैं बार बार ये सिर्फ फर्ज कर, मैं बार बार कहा करता था, देखो आई एम ए गिफ्टेड गाय, मेरी तो औकात ही नहीं थी कि मैं यहाँ तक पहुँचता। अगर आप मुझे एजुकेशन के हवाले से सोचिए तो यहाँ मुझसे भी पढ़े लिखे हो, मैं बहुत पढ़ा लिखा आदमी हूँ, लेकिन मुझसे भी पढ़े लिखे लोग हैं। बट देर वॉज समथिंग डिफरेंट इन मी व्हेन आई वॉज बोर्न एंड आई न्यू इट, एंड आई बीन टेलिंग दैम कि आई बिलोंग टू पाकिस्तान, यू आर पाकिस्तान, यू बिलोंग टू मी। लोगों ने अपने लोगों की कदर की है, मेरी कदर नहीं करनी। डोंट गेट जेलस ऑफ मी। पहली तो वारदात ये हुई, एक लंबी बहस है जिसमें बहुत सारे ये जो आठवीं तरमीम भी इसमें इन्वॉल्व हो जाती है, वो भी उसके भी डायरेक्ट इफेक्ट आते हैं इस चीज़ के ऊपर कि आप जब इस तरह बिखरते हैं और आप घरों में, वो क्या व्हेन आई वाज इन बैंक तो हम एक पैरेलल इकोनॉमी का नाम सुना करते थे, तो ये आठवीं तरमीम ने पैरेलल कंट्रीज बनाए हैं विद इन द कंट्रीज। ये हेट्रेड क्रिएट की है, प्रोविंशियल हेट्रेड क्रिएट की है। आपको मैं बताऊं, इसको समझना होगा बड़ी बारीक बीनी के साथ। इंस्टेड कि हम वी हैड वर्क जॉइंटली एंड वी वुड हैव डिलीवर्ड फॉर द कंट्री, वी आर गेटिंग एनिमीज ऑफ ईच अदर, यू नो। तो ये हम ख़त्म कैसे करेंगे सर? मैं आपको कलमा पढ़ के कहता हूँ, आपको ये जो इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए जो अमेंडमेंट डाली गई है, इसको फिल फॉर ख़त्म करना होगा। आज नहीं करेंगे, मुझे मैं बोलूँगा बकवास कह के चुप करा देंगे। इवेंचुअली इफ दिस कंट्री इज टू स्टे ऑन द मैप ऑफ द वर्ल्ड, यू हैव टू डू इट। मीडिया में 10% भी सच नहीं बोला जाता। यू आर अ नॉन एंकर, यू आर नॉट सपोज टू लाई बिफोर पब्लिक, यू नो। मैं आपको बहुत पहले से जानता हूँ। आप चंद टके लेकर घर चले जाते हैं, थोड़ा प्लॉट बड़ा हो जाता है, दो घर माँ बाप को मिल जाते हैं, मेरी तो औकात ही नहीं थी कि मैं यहाँ तक पहुँच। लेकिन अगर आप मुसलमान बन के ख़त्मे नबूवत को चैलेंज करेंगे तो सर यू आर नॉट अलाउड। अच्छा, ये जो एक एपिसोड हुआ है मारवी सरमत का, ये इसका मेरा जैसा मेरी मर्जी है, मेरा और आपका कैलिबर नहीं है। मीडिया के तरीका वारदात क्या होते हैं, तो एक खबीस के शो में गया मैं, क्या नाम है उसका, मंसूर अली खान। आज आप फील करते हैं इन कंपेरिजन जो पुरानी गवर्नमेंट्स आई हैं, आज की जो गवर्नमेंट है इसमें कुछ चेंज है? आई बिलीव द मैन हु इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इज़ अ पार ऑनेस्ट मैन। वी डिडंट हैव चॉइस अदरवाइज, आई टेल यू। सब आजमाए हुए लोग थे, क्या किया उन्होंने? आप जाके खुदा के वास्ते, आई रिमेंबर, आई मीन आई सी कराची ऑफ 80s एंड आई सी कराची ऑफ टुडे, इट इज 30 years अहेड। अच्छा, इन्होंने अभी बड़ी एक बात की वो अहमदीज की, कि उनको भी आप लेके आए फोल्ड में और उनको भी यू नो दे शुड बी पार्ट ऑफ द फोल्ड एंड यू नो ऑल। वो मान लें कि हम काफिर हैं तो हम उनको मिनोरिटी के तौर पे लेके आएंगे, मुझे कोई एतराज़ नहीं है। लेकिन अगर आप मुसलमान बन के ख़त्म नबूवत को चैलेंज करेंगे तो सर यू आर नॉट अलाउड। फिर तो मिनोरिटी हैं, दैट्स इट, एंड एवरीबडी इज ओके नो मैटर व्हाट रिलीजन टू बी पार्टिसिपेट। देखिए, जब मिनोरिटी होती है, जब सिख है यहाँ, हिंदू है यहाँ, ईसाई है यहाँ, दे आर गिवन इक्वल रिस्पेक्ट एज सिटीजन ऑफ पाकिस्तान, तो गेट दैट रिस्पेक्ट एज सिटीजन ऑफ पाकिस्तान, डोंट क्लेम दैट दे आर मुस्लिम्स।
अच्छा, ये जो एक एपिसोड हुआ है मारवी सरमत का, ये इसका मेरा जैसा मेरी मर्जी है, मेरा और आपका कैलिबर नहीं है उसको डिस्कस करें। Really? Is it that bad? Sure. Terrible? मैं औरत को डिस्कस करता हूँ सर, एंड आई कॉल हर नॉन वुमन नॉन वुमन आर नॉट माई सब्जेक्ट एट ऑल। वो तो एक इंसिडेंट हो गया बाय द बाय, तो ये अच्छा हो गया कि इट वॉज लॉन्ग अवेटेड बाय द गुड वुमन, क्लैरिफाइड। या इट वॉज टू बी क्लैरिफाइड, क्लैरिफाई हो गया, वो डिस्टिंक्शन आ गई बिटवीन। देखिए, आपको अच्छी औरत को का झंडा बुलंद करना है, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ताकि उसको पता हो वो अच्छी औरत क्यों है। यस, यू नो व्हेन यू हैव टू बी गुड यू हैव टू सैक्रिफाइस बैड थिंग्स, यू नो। तो ये जो बीच में फिर इसके इंटरवेंशन जो हो जाती हैं, नेगेटिव इंटरवेंशन, देखिए ये कितना डैमेज करती है वुमेन्स कॉज को? कोई बिल्कुल डैमेज नहीं करती। हमारी जो अच्छी बड़ी लिखी वह अच्छी क्या मेरी, हाँ औरत है ही अच्छी, एक पे 35-36 का टोला जो है, दे के नॉट स्टॉप। हमने औरत से हया सीखी, हमने औरत से वफा सीखी, हमने औरत से घर चलाना सीखा, हमने औरत से माशरत निभानी सीखी, हमने औरत से माशरा चलाना सीखा। अब जो मैन वी आर फुली डिपेंडेंट ऑन हर, बट दैट इज टू बी अ वूमन। आप किसकी बात कर रहे हैं? मैं वुमेन की बात कर रहा हूँ। नहीं, वुमेन तो हो गई, वो जिनकी बात कर रहे कि फेमिनिज्म इज नॉट, आई एम विद यू, आई टोल्ड देम कि भैया मैं जितने राइट्स हैं ना, मैं कुलतर आपके साथ हूँ उनके लिए। ये घटिया गलीज नारे चेंज कीजिए, मैं राइटर हूँ, मैं बैठता हूँ आपके साथ, एंड आई एम हाईएस्ट पेड राइटर इन पाकिस्तान, मेरा वक्त बड़ा कीमती है, बट आई एम रेडी टू फ्री ऑफ एनी रेम्यूनरेशन, मैं रेडी हूँ आपके साथ काम करने के लिए। अच्छे नारे बनाइए, हम सब मर्द। और ये औरत मार्च क्यों भाई, सवाल तो ये है, वाई औरत मार्च जिस मुल्क में? देखिए हमारा पीछे प्रॉब्लम क्या है, आपकी आप मुझसे पहले बड़ी बारीकबीनी से देखते रहे इस माशरे को। हमारे मुल्क का प्रॉब्लम ये है, और आपने तो दुनिया फिरी है, मैं आपसे कम फिरा हूं बहुत। वी आर द मोस्ट सिविलाइज्ड नेशन इफ लॉ प्रिवेल्स, that if is a big if that is to be met as soon as possible, otherwise hum acche log hone ke bawajood isi tarah tukdon mein bate rahenge aur hame pata hi nahi chalega which thing is guiding us and by which we are to be guided. Law guides, warna aap dekhte hain zara si lawlessness allow kar di jaye America mein ya kisi aur civilized so called civilized mulk mein to kya hashar hota hai do raaton mein। ये आपने Brilliant मैंने भी मंजर देखे और आपने भी देखे। लॉ मेरी जिंदगी का सबसे, मैं मरूंगा तो इस दुख के साथ मरूंगा कि एक मेरी अदलिया ने एक ऐसा फैसला भी किया था जिसमें एक सेंटेंस्ड आदमी को रिलीफ देकर इलाज के लिए बाहर भेज दिया गया था। ये दुनिया की तारीख का और तारीख अदलिया की तारीख का एक नया वाक्या है। मेरे दिल पर यह जख्म की तरह है। मुझसे अगर कोई दुनिया के दूसरे मुल्क का आदमी सवाल करे तो मैं सिवाय शर्मिंदगी के कोई जवाब नहीं दे सकता, और मुझे शर्मिंदगी से डर लगता है। मैंने एक जिंदगी में एक और वाक्य देखा, पीजे मीर यू विल बी अमेज्ड। मैं जहाज पे सफर करने से शुरू से डरता हूँ, तो उन दिनों मैं बैंक में था और आई हैड टू बी इन अ मीटिंग विद रजिस्ट्रार मुदारवा, तो इस्लामाबाद के लिए मैं गाड़ी पर जाता था। तो नई नई मोटरवे बनी थी, तो यह कहा कि मैंने देखा कि वो जो 120 किलोमीटर की जो लिमिट है उसको किसी ने काट के उसके ऊपर 140 लिखा हुआ है। मैं समझा किसी ने शहजादे ने मेहरबानी की हुई है, पंगा किया हुआ है। आगे गया हूँ, फिर कटा हुआ है, और वो बड़ा एक ना मैं जैसे बड़ा जल्दी में आके एक ब्रश जो है, क्योंकि दैट इज वेल डन जॉब जो लिखा हुआ है वहाँ। तो जब 3-4 महीने यके बाद दीगरे देखे तो मैं भेरा में रुका और मैंने पुलिस सर्जेंट को बुलाया, मैंने कहा बात सुनो ये क्या 140 हो गई स्पीड? तो हंसा आगे से, कहता ये वापस भी हो गई। मैंने क्या मतलब है? कहते सुबह 9:38 पर यहाँ से हुसैन नवाज गुजरे थे, वो उनकी स्पीड थी 138 किलोमीटर, हमने रोक लिया, हमने कहा जी चालान होगा। तो 9 बजे से रिट्रोस्पेक्टिव टाइम से 9 बजे के वहाँ से इशू हुआ ऑर्डर प्राइम मिनिस्टर हाउस से कि स्पीड जो है वो 140 किलोमीटर कर दी गई है, और जो ही वो
मोटर व्हीकल से बाहर निकल गए तो स्पीड वो वापस हो गया है बॉर्डर। अल्लाह की कसम मैंने अपनी आंखों से देखा। सीरियसली? सीरियसली, बिकॉज उनकी गवर्नमेंट थी तो ये मामला इतना उछला नहीं, लेकिन आया ये, और मीडिया इतना स्ट्रांग नहीं था उस वक्त, मीडिया तो बल्कि होता ही नहीं था। आपका क्या ख्याल है, अब मीडिया का रोल क्या है इस वक्त? एक पॉजिटिव मीडिया बहुत अच्छा रोल अदा कर सकता था, लेकिन झूठों का एक टोला जो हावर कर रहा है। ये कौन लोग? आई नीड टू नो दीज पीपल सीरियसली। मैं आपको बता देता हूँ, मैं नाम तो नहीं ले सकता इनके, नाम तो आपको भी पता है मुझे भी पता है। मैं जब बैंक जाने लगा तो ज़्यादा ज़रा मैं घुसीला आदमी था और मैं अच्छा पढ़ा लिखा आदमी था, मेरा बिलीव था कि आपको अपना काम आता है तो फिर आप किसी की नौकरी नहीं कर रहे, आप अदारे की नौकरी कर रहे हैं, लोगों की नौकरी नहीं करता था मैं। तो मेरे अब्बा ने कहा, यार नालायक लोगों से होशियार रहना। तो मैंने कहा वो नालायक मुझे कैसे पता चलेगा, फिल फॉर इमिजिएटली कैसे पता चल जाएगा कि ये नालायक है? कहते बड़ा आसान है, वो छोटी सी बात को लेकर उसने एक शोर बपा किया होगा आपके बैंक में ब्रांच में। तो मैं जाते ही उनको देख लिया मैं, तो मैं बिल्कुल नहीं जानता था, नाबलद आदमी था, ये मीडिया के तरीका वारदात क्या होते हैं। तो एक खबीस के शो में गया मैं, क्या नाम है उसका, मंसूर अली खान। तो मुझे पता चला कि मीडिया किस तरह प्ले करता है शरीफ लोगों के साथ, और वो खबासत मैं 40-45 मिनट भुगत के आया। तो फिर मुझे पता चला, और वो जो खबरें सुना करता था उन पर यकीन आ गया कि बिकाऊ माल क्या होता है, और ये बिकाऊ माल होता है, और नॉर्मली बिकता कौन है, पीडियो मेर यू नो नालायक। करेक्ट। अब ये मुझे बताइए कि जो एक मेरी नज़र में एक अलमिया फिक्र है कि आप का जो पर्टिकुलर एक आप राइट भी करते हैं, डायरेक्ट भी करते हैं, ये क्या वजह है कि हमारे आर्ट्स एंड कल्चर और ड्रामास एंड थिंग्स लाइक दैट दे आर नॉट एज गुड एज दे यूज्ड टू बी? आई रिमेंबर हमने TVHL लंदन में खोला था, हम देते थे यहाँ इनको पंजाबी ड्रामे, उर्दू ड्रामा सीरियल्स, और इंडिया देता था, अमिताभ बच्चन पार्टनर था तो वो देते थे फिल्म्स, एंड वी वर राइट ऑन टॉप। सो ये क्यों डिक्लाइन आया इसमें? हाँ, ये $10 million क्वेश्चन। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ विजय मीर, आप तो पढ़ते भी मुझसे ज़्यादा हैं, आई नो मच अबाउट यू, ज़रा लिस्ट डाउन कीजिए हिस्ट्री ऑफ द राइटर्स और उनमें से निकाल के दिखाइए व्हाट गुड नंबर वीमेन हैव। राइटर होने पर तो कोई आदमी आपको नहीं रोक सकता, चलिए हम पे आप कथन लगाते हैं, वहाँ तो नहीं रोक सकता जहाँ पे पूरी आज़ादी आपको। तो मुझे ज़रा नंबर ऑफ वीमेन दिखाइए कि वो कितनी है राइटर्स। यहाँ क्या हुआ सर, स्क्रिप्ट जो है वो सड़ी हुई बेवा ब्रेकअप वाली डिवोर्सी बदनसीब जो औरतें हैं, मैं अला नसीब को नहीं मानता, जो अपने आप को बदनसीब कहती हैं, उनको कंटेंट हेड बना दिया गया। मैं 12 साल से पीजे मीर चीख चीख कर कह रहा हूँ, और उनको डायरेक्ट भी बोला मैं कि तुम क्या कर रही हो, तुम सुबह से लेकर शाम तक मर्द को गाली देते हो बगैर किसी दलील के, तुम गाली देती हो सास को, तुम गाली देती हो बहू को, तुम गाली देती हो नंद को, तुम गाली देती हो भाभी को, तो एट द सेम टाइम व्हेन यू आर सिटिंग राइटिंग दैट स्क्रिप्ट यू आर आइदर सास, यू आर आइदर और भाभी और नंद और बहू और समबडी लाइक दिस यू नो। इसने क्या किया, हमें मौजूदात से भटका दिया, कुछ उसमें चार्म था औरतों के लिए, वो देखने लग गई, रेटिंग का एक शोशा छोड़ा गया जो 1500 मीटर, पहले 600 मीटर थे जो कुल हमें डिटरमिन करते थे, फिर बड़ी तरक्की की तो हम 1500 मीटर ले आए। अब वो 1500 मीटर पाकिस्तान जैसे मुल्क में जहां आपकी गंदुम नहीं पहुंच सकती आपके गरीब आदमी के पास, वहां सही फिगर कैसे पहुंचेगी, सही रेटिंग कैसे पहुंचेगी? तो बड़े बड़े जो गिद थे उनका होल्ड था उसके ऊपर, लाहौर के। मैं आपको सिंपल बताता हूं, मैं ये आदमी नहीं हूं, मेरा कराची की मिट्टी से मुझे उतना इश्क है जितना लाहौर के चैनल की रेटिंग देखिए और कराची के चैनल की रेटिंग देखिए, आपको औकात पता चल जाएगी आपकी, आपको कभी नहीं रेटिंग देंगे। मुझे याद है A+1 की रेटिंग में खुश हो जाता है, और यहाँ मेरे पास तुम्हों की 39 की रेटिंग थी। सवाल ये है पीजे मीर,
मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, चंद नामों के अलावा दुनिया की तारीख में खातिन राइटर के हमें नहीं मिलेगा। हमें ऐसा डाटा अवेलेबल नहीं है जहाँ कोई बड़ा अजीम काम हो गया हो किसी औरत के हाथों। आई लव, आई जस्ट वॉन्ट, हमारे यहाँ अच्छी औरतें भी हैं लिखने वाली। मैं कोई अपोलोजेटिक आदमी नहीं हूँ मैं, लेकिन मैं तो आपको तारीख के हवालों से बात कर रहा हूँ। एक आपके पास फातिमा सुरैया बेजिया होती थी, वो आपके सोशल इश्यूज पर बात करती थी, उनको मालूम था, वो सड़ी हुई नहीं थी अंदर से, वो अपने अंदर का सड़ांध नहीं फेंकती थी कागज़ के ऊपर। आपके पास हसीना मोइन साहबा थी, तो आपके पास अमजद इस्लाम अमजद थे, हैं, अल्लाह उनको ज़िंदगी दे, मतलब थे, मतलब अब नहीं लिखते तो मैं इस हवाले से कह रहा हूँ, अल्लाह उनको बहुत ज़िंदगी दे। उन्होंने माशरती उसलूब को सामने रख के लिखा। मेरा मानना है कि आप कॉलेज यूनिवर्सिटी से अपने बच्चों को की तरबियत नहीं करते, आप लाशौरी तौर पर ड्रामा और फिल्म से करते हैं, और यही हम मार खा गए। तो ये सरासर ये गुनाह जो है, वो पहले मैं ये नहीं कहा करता था, लेकिन अब चूंकि मेरा मुल्क इसके हाथों पर बर्बाद हो रहा है सर, तो आई हैव टू से सर। आप समझते हैं कि ये जो मीडिया, ये भी इसी तरीके से बर्बाद, वहाँ पे फेमिनिस्ट वो जो मेरा जिस मेरी मर्जी वाला जो गिरोह है वो इस वक्त काबिज है। इस वक्त आपको मैं बता दूँ, सीरियसली वो काबिज है। तो फिर अगर ये चीज़ है तो फिर तो हमारे इस सिस्टम के अंदर आप कह लें एक बहुत बड़ा सीरियस डिविजन है सर। ये हम पता क्या करते हैं, हमने हमेशा समझा ही नहीं चीज़ों को, हम बारीकी से चीज़ों को देखते नहीं कि कौन सी चीज़ें हमारे सोशल सेटअप को, हमारे मुल्क की वैल्यूज़ को तबाह कर जाएंगी। हम इसके बारे में कंसर्न नहीं थे कभी। हम जब तबाही हो जाती है, जब कोरोना आके मर डालता है, तो हम अपनी हेल्थ के बारे में सोचने लगते हैं। यस, दिस हैज बीन आवर प्रॉब्लम। अच्छा, एक जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि लोग, आपने बड़ी अच्छी बात की है, हम एक बात इधर करते हैं और एक उधर करते हैं। आपने भी देखी है, मैंने तो इतनी देखी है कि मैं तो थक गया हूँ कि मुनाफ़कत क्या होती है। लेकिन आप मुझे एक चीज़ बताएं कि फॉर एग्ज़ाम्पल, हर इंसान के आइडियल्स होते हैं, हीरोज़ होते हैं, टेलीविज़न में और फिल्म इंडस्ट्री में आप क्या कहेंगे कि क्रेडिबल, अगर आप एक तमगा एक क्रेडिबिलिटी दें, किसको देंगे आप? फिल्म को, टेलीविज़न ने तबाह कर दिया फिल्म, इसको माशरे को। आप याद कीजिए, गो बिफोर इट इज़, आप फिल्म से सीख के आते थे वहाँ से। यू यूज टू सिट इन दिस सीट ऑफ हीरो, यू रिमेंबर? यस, यप, वी हैव लॉस्ट दैट। अच्छा, मीडिया के अंदर आपके, आपकी नज़र में कोई क्रेडिबिलिटी है, कोई क्रेडिबल लोग हैं? मैं बहुत क्रेडिबल लोग हैं, पीजे मीर, यू नो दैट, आप उनसे हम सीखते भी हैं बात करके। खुदा की कसम, हमने रिलीजन भी सीखा उनसे, ऐसे लोग भी मौजूद हैं। मीडिया को इस तरह, मैंने बैंक देखा, बैंक में जितना मैंने गंद देखा था वो मीडिया में नहीं देखा, मैं ट्रस्ट नहीं। तो सवाल ये नहीं होता, गंद तो हमेशा से था सर, बाजार हुस्न तो लाहौर के बीचों बीच है, जाने वाले अलग है ना। बिल्कुल सही कहा। हाँ। तो फाइनली ये मुझे आप बताइए कि आपके कौन से फेवरेट एंकर्स हैं जिनको मैं समझता हूँ कि पूरी दुनिया देखे और कहे कि नहीं जी, ये खलील रहमान कमर ने ये इनका नाम लिया है और ये अच्छे हैं और ये ठीक नहीं। हाँ, जिन जिन लोगों ने मौलाना तारिक जमील से माफ़ी मंगवाई है ना, अगर उनमें से मैं किसी को पसंद भी करता था तो मैं लानत भेजता हूँ उस वक्त उसके ऊपर सीधे। वो मेरी पसंदीदगी अब दो हफ्तों बाद तय करना होगा मुझे, अब मैं जानूंगा सच्चा कौन है, क्योंकि इस मुल्क को सच्चे लोगों की ज़रूरत है, हलाल खाने वालों की। अरे आप झूठ बोलिए यार, हलाल खाइए, चलिए इतना मार्जिन देता हूँ। ये हराम खाना दुनिया का सबसे बड़ा गुनाह है जिससे मुल्कों, और ये मैं बिलीव मी, मैं कि जितने भी गुनाह बड़े हैं ना उनसे बड़ा गुनाह है, क्योंकि आप एक वक्त में पता नहीं कितनी फैमिलीज को बर्बाद कर रहे होते हैं। ये और ये हरामी, हराम खाने वाले अल्टीमेटली हरामियों का टोला बनता है। अब जितने हरामी हराम खाने वाले हैं उनका पता चलाना होगा सर, मुल्क बचाना है या इनके घर बचाने हैं आपने। इस वक्त तो मैं लोगों के फ़ोन आते हैं मुझे, खुदाई कसम, बाहर से पीजे मीर धाड़े मार के रोते हैं। मैं कोई इतना कोई वली आदमी नहीं हूँ, बट टुडे आई एम अ लॉट चेंज पर्सन बिकॉज ऑफ दैट, कि यार मैं इस दुख से रोया करता था,
लेकिन वो जो रोते हैं उनके पास तो पैसे भी हैं, वो तो कमा भी ठीक रहे हैं। खुदा की कसम पीजे भी धाड़े मार के रोते हैं। और मैं कोई सियासी आदमी नहीं हूँ, ना मैं सियासत में मेरा कोई के बारे में कभी सोचता हूँ, लेकिन मैं उनकी तरह का एक दुखी पाकिस्तानी तो हूँ। ये जो माफ़ी मांगने का कहा है, डू थिंक के इसमें एक आप कह लो कि काफ़ी एक डैमेज हुआ है सोसाइटी में, फैब्रिक में? जी डैमेज हुआ। मेरा ख्याल है मौलाना चूँकि एक नफीस मीठे आदमी हैं, वो मोहब्बतों को के अमीन हैं, ही वांटेड, उन्होंने देखा है मुल्क का जो हाल है। मैं और आप जब देखते हैं यार, मैं वो नहीं हूँ मसलहत पसंद, मैं आपको नहीं जानता कि आप मसलहत पसंद हैं या नहीं, लेकिन वो मसलहत पसंदी का शिकार हुए हैं कि यार कोई ऐसा इशू ना खड़ा हो जाए, मुल्क ऑलरेडी इकोनॉमिकली पॉलिटिकली डाउन द ड्रेन है, तो एक नया इशू खड़ा हो जाएगा और मज़हब की आड़ में और ऐसी बातों की आड़ में बहुत सारे ऐसे लोग भी लफंगे भी निकल आते हैं बिलों से बाहर, तो कोई उन पर जो एक अपना कंट्रोवर्शियल पर्सनैलिटी नहीं है उनके ऊपर अगर थूकना शुरू करेगा तो सबके लिए बड़ी तकलीफ से बात हो जाएगी। तो शायद उन्होंने ये सोचा कि यार मैं ना इससे छोटा नहीं हो जाऊंगा, माजरत कर लेता हूँ। असल में कहीं एक चूक हो गई उनसे, वो हम जब बोल रहे होते हैं तो हम पूरी तरह बाज़ोकात जोश खताबत आपसे गलती आपसे जोश खताबत की हालत में आपसे चूक हो जाती है। तो शायद वो कहना चाहते थे कि बहुत सारे एंकर्स, सबका नाम नहीं लेना चाहते थे, सबका नाम मैं नाम लेता हूँ ना आप लेते हैं ना हम ले सकते हैं, एवरीबडी इज़ नॉट बैड। तो वो चाहते थे कि वो ये कहें कि जैसे हामिद मीर साहब ने माशाल्लाह फरमाया था कि 90% 10% सिर्फ मीडिया है जो सच बोलता होगा, तो वो शायद उस 90% के बारे में कह रहे थे। एक तो उनसे चूक ये हुई कि उन्होंने सबके बारे में कहा, और फिर दूसरी चूक हुई कि उन्होंने सबसे ही माफ़ी मांग ली। ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। खलील रहमान, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम, और आपने इनके व्यू पॉइंट सुने। जैसे मैंने स्टार्ट में कहा था, स्ट्रेट शॉट, नो होल्स बार्ड, और यही होना चाहिए। बल्कि मैं आपको भी, जितने भी आप मिनिस्टर्स और ये एम्बेसडर्स एंड ऑल दैट, ये आप आते यार सच बोलो, खुदा की कसम सच बोलो। ये यू नो, इफ़ यू स्टार्ट लाइंग, यू लाइंग टू योर सेल्फ, यू लाइंग टू द पीपल, एंड मोर टू द पॉइंट, आप अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में उनके साथ झूठ बोल रहे हो। खुदा की कसम सच बोलो। और ये जो मैंने नवाज शरीफ के सामने देखी हुई चीज़ें कि मियाँ साहब, ओ मियाँ साहब बड़ा हाल ये वो, और उसके बाद बेचारे को आपने वो क्या कहूँ, चमचे और ये वेट लिफ्टिंग करके उसके बाद दो मिनट का काम है, मियाँ साहब इतनी दी परमिशन चाहिए दी है मैंने, मैं दो मिनट का काम, लेकिन 15 मिनट जो वो वेट लिफ्टिंग करते हैं ये लोग, मैं मुझे शर्म आ रही थी। और मैं अगर नाम लूँ, खुदा कैसा आप कहेंगे यार ये मिनिस्टर्स बन गए थे, ये लोग थे वो। तो ये जो आज खलील रहमान कमर साहब ने जो बात की है, आई थिंक इसमें बहुत वजन है। लुक एट इट अगेन अगेन एंड सेंड इट टू पीपल एंड डू सब्सक्राइब टू द चैनल। Until the next time, look after yourself, look after Pakistan. Good afternoon.